हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा था आपके लिए आज सुबह सुबह। ठीक है, तो ये हम रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के इस रीडिंग में कि उनके दिल में क्या चल रहा था आज सुबह सुबह। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज सुबह सुबह उनके दिल में क्या कुछ चल रहा था आपके लिए। सारे एनर्जीज को हम पिक करते हैं। ओके, सो मेरे साथ आप लोग जो है पूरा कंसंट्रेट कीजिए अपने पर्सन के ऊपर। मैं कार्ड से एनर्जी निकालूंगी, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन आपका रहेगा आपके पर्सन के ऊपर। ठीक है, सो इसमें आपको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, सो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए, और मैं आप सबसे यही कहूँ कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ओके, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग भी। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज मुझे गाइड कीजिए। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में आज सुबह सुबह क्या कुछ चल रहा था, है ना। जानना जरूरी है भाई, आपके पर्सन की बात है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सेवन ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा था सुबह सुबह। सबसे पहले तो इस पर्सन के दिल में चल रहा था कि यारे मुझे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। इनको लग रहा है, इनके दिल में चल रहा है कि इनका कर्मा था। ठीक है, इनका जो कर्मा है इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और इनका कर्मा जो है हमेशा जो है इनको तकलीफ दे रहा है। यानी कि इनके जिंदगी में जो है ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, सो इनके कर्मा की वजह से चल रहे हैं। इस पर्सन की ऐसी फीलिंग मुझे नजर आ रही है। ये पर्सन के दिल में यही चल रहा था कि ये सारी चीजें जो मेरी लाइफ में हो रही है, सारी की सारी चीजें, ठीक है, ये सारा मेरा कर्मा है। क्योंकि ये जो है अचानक से जो चीजें मेरे जिंदगी में हो रही है, मतलब कि जो मैंने सोचा नहीं वो हो रहा है, और अचानक से जो है ना बिगड़ती हुई चीजें जो हो रही है मेरी जिंदगी में, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में जो अचानक से हो रही है, ये मतलब कि मैं बता नहीं सकता कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन के दिल में चल रहा था कि ये सब मेरा कर्मा है, और कहीं ना कहीं ये कर्मा मेरा अब खत्म होने वाला है। ये डिवाइन टाइमिंग जो है अब आ चुका है, ये कर्मा जो है अब मेरा खत्म होने वाला है, और अब जो है मैं चैन की नींद यानी इनकी चैन की सांस तो ले पाऊंगा। कम से कम जो कर्मा है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं चैन की सांस तो ले पाऊंगा। यहाँ पे इस पर्सन के दिल में ऐसा चलते हुए मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि और क्या चल रहा था इनके दिल में। अगेन द मून का कार्ड, कर्मा काफी ज्यादा हाई है इनका। ओके, सो अगला कार्ड है यहां पे एट ऑफ सॉर्ड्स। द स्टार, एट ऑफ कप्स, एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास थ्री ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ऐसे तो मैजिशियन साहब हैं, सो सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस पर्सन का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है कि इनका कर्मा चल रहा है, तो ये पर्सन के दिल में वही है कि इनका कर्मा चल रहा है, और इनकी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं इनको निराश ही कर रही हैं। ये पर्सन कहीं जो है कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहीं एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको इनको जो है ना इनकी होप टूटती हुई नजर आ रही है। ये पर्सन होपलेस होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, टोटली होपलेस होते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम से इनका पूरा कंसंट्रेशन नहीं है इनके, ना ही जॉब पे, ना ही करियर पे, ना ही आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये एक चीज को संभाल रहे हैं तो दूसरी चीज बिगड़ जा रही है, दूसरे को संभाल रहे हैं तो पहली बिगड़ जा रही है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन का जो है ना यहाँ पे मैनेज करना बड़ा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे ये पर्सन को सक्सेस नहीं मिल रहा है, ना लव लाइफ में, ना ही अपने करियर में, है ना।
तो यहाँ पे चीजें जो है ना रुकती हुई, ठेल ठाल के चलती हुई ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। फिलहाल ये पर्सन के दिल में चल रहा है, जैसे कि इस पर्सन को धोखा मिला है, इस पर्सन को तकलीफ मिली है, इनकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि इनको तोड़ गई हैं, ठीक है। काफी ज्यादा तकलीफ मची है और यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो चीजें हैं और बिगड़ गई हैं। ये जो सिचुएशन इनके सामने आई है, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा उससे इफेक्ट पड़ा है आप दोनों के रिलेशनशिप पे। और यहाँ पे वही है कि आपके पर्सन काफी ज्यादा डर गए हैं, काफी ज्यादा ऐसे सिचुएशन में है जो कि होता है ना कि हाँ यार अब मैं क्या करूं, मैं करूं भी कि ना करूं, ये वाला सिचुएशन आ चुका है अब आपके पर्सन की लाइफ में। इनकी जिंदगी एकदम से, जैसे होता है ना कि स्टक सी हो गई है इनकी जिंदगी, एकदम से तबाह हो गए ये पर्सन। मुझे यहाँ की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन एकदम से खुश नहीं है अपनी जिंदगी में, एकदम से ये पर्सन एकदम निराश होते हुए दिख रहे हैं, परेशान होते हुए दिख रहे हैं और इनकी जिंदगी जो है ना एकदम बकवास चल रही है, ठीक है। इनके दिल में चल रहा है कि यार ये जिंदगी है कि क्या है, सजा तो नहीं है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ये खुशियाँ जिन खुशियों को ढूंढ रहे थे, ठीक है, वो खुशियाँ तो नहीं मिली, लेकिन इनकी ज़िंदगी में जो है ना इनको निराशा ज़रूर मिल रही है। तो ये वही है कि आपके पर्सन के दिल में चल रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना कब ख़त्म होंगी, कब मैं अपनी ज़िंदगी में जो है आगे बढ़ पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना चीज़ें यहाँ पर रोक रही हैं इनको, कहीं ना कहीं इस पर्सन को रोक रही हैं, यहाँ पर ये पर्सन ट्रैप हो रहे हैं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से। ये जो रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं इसको वो हील करना चाहते हैं, हील करने वाली एनर्जी में है ये पर्सन। हील करके जो है ना यहाँ पे दिख रहा है, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एकदम से पूरी तरीके से फोकस रहना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप पे, पूरा पूरा एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन की एनर्जी ऐसी बता रही है मुझे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, ये पर्सन सपने जरूर देख रहे हैं, यहाँ पे इनके ड्रीम्स जरूर हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर हो और आपके साथ इनका फ्यूचर बने, बहुत बेहतरीन फ्यूचर बने, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखो मैजिशियन की एनर्जी क्लियरली बता रही है, मैजिशियन की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, है ना, कुछ चमत्कार ऐसा हो कि आपकी और इनकी ज़िंदगी में जो जो चेंजेस आए हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आए हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, वो कम से कम ख़त्म हो जाए, ठीक है। यहाँ मुझे ये फील होता हुआ दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि अरे यार ख़त्म करो इन सारी चीज़ों को, मैं तो ख़त्म करना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों को, यार ख़त्म करो इन सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा इस पर्सन की एनर्जी हो गई है कि इस पर्सन की एकदम से अंदर से फीलिंग आ रही है, इनका दिल कह रहा है कि यार छोड़, तू बाहर निकल, ऐसे वाली एनर्जी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी। अभी मैं जो है चेक करूंगी कि और क्या चल रहा था इनके दिल में, ठीक है, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। आज सुबह सुबह इनके दिल में क्या चला, सुबह सुबह ये पर्सन अपने आप को ब्लेम भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, देखते हैं क्या है एनर्जीज। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे लीडरशिप। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे कि बहुत रूड होना, है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इनकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। और ये पर्सन ऐसा है कि बड़ा शांत रह करके सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन शांत रह करके, इनके दिल में ये भी चल रहा है कि मुझे शांत रह करके ही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप को बनाना भी है तो बहुत ही शांत रह करके, बहुत शांत स्वभाव के साथ जो है ना मुझे अपने रिलेशनशिप को सही करना है और अपने रिलेशनशिप में पूरा
जो है ना मुझे पूरा देना है, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे देना है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, फुल्ली, ठीक है, जितनी जरूरत है, जितना एफर्ट्स डालने की जरूरत है उतना मैं डालूंगा, ठीक। यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है और यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत शांत दिख करके धीरे 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 करके जो है ना, ये पर्सन मान के चलती हूँ कि मैं धीरे 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 करके जो है ना ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, बट बढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे आपकी तरफ, ये पर्सन के दिल में ऐसा चल रहा था। सिंप्लिसिटी का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, प्योरिटी एंड है मेरे पास मिरेकल्स। वाओ, ओके, सो यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन देखो, आपके पर्सन की एनर्जी मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अब बहुत बहुत ज़्यादा, देखो सबसे पहले तो ये एकदम से स्वच्छ मन से, स्वच्छ दिल से ये आपका साथ चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ की एनर्जी क्लियरली यही बताती है कि ये इनका जो मन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ मन से जो है ना आपके करीब आना चाहते हैं, मैं यही देख पा रही हूँ। और इनका जो दिल है ये भी प्योर प्योर हार्ट है ना लेके आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बस है ना दिखावे के लिए बढ़ गए या फिर कॉम्प्रोमाइज करके बढ़ गए, ऐसा नहीं है। ये पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन प्योर दिल से जो है ना ये आपको प्यार करते हैं और जितनी भी एनर्जी थी, जितना इनको गिल्ट फील हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे इस एनर्जी को जो है ना ये पर्सन को क्लियर करना है, गिल्ट वाली फीलिंग्स नहीं रखनी है, गिल्ट वाली फीलिंग्स जो है ना अब इस चीज़ को ख़त्म करना है और तब जो है ना इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन देखो गिल्ट को ख़त्म करेंगे तभी जो है ना, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है इनकी एनर्जी कि तभी ये पर्सन आगे भी बढ़ पाएंगे, ठीक। यहाँ की एनर्जी मुझे ये बताती है और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना जैसे कि बहुत बहुत शांत रहते होंगे ये पर्सन, बहुत शांत, ठीक है। और ये जो है अब डिसीजन लेने वाले मूड में है, मुझे यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन डिसीजन लेने वाले मूड में है और जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस उसको एक्सेप्ट करने का इनके अंदर जिगरा है है ना, जिगरा चाहिए, जब वो जिगरा है इनके अंदर, इसलिए जो है ना ये पर्सन नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं और पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन बहुत क्लियर हो करके आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और यहाँ पे वही है कि एक होता है ना कि बहुत सिंपल तरीके से आपको प्रपोजल देना लेकिन बहुत ही ग्रैंड है ना देखा होगा आपने कि कुछ लोग देखने में सिंपल होते हैं लेकिन जो चीज़ें ये करते हैं ना सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वही है कि आपके पर्सन भी जो है ना कुछ चीज़ें करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि जो कोई देखे ना तो उसको पता चल सके कि हाँ ये बंदा या बंदी जो भी है ये कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से फिलहाल तो यही दिख रहा है कि इनको निगेटिविटी को ख़त्म करना है, ओके। और निगेटिविटी को ख़त्म करके इनकी ज़िंदगी में जो है ना ये चाहते हैं कि मिरेकल आए, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में यार सुबह सुबह कुछ ऐसा चल रहा था कि जैसे कि कुछ तो हो यार, कुछ तो मतलब कि पॉजिटिविटी हो, कुछ तो ऐसा हो जिसको लेकर के मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा पर्सन पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरीके से फोकस हो करके और तब जो है ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाह रहे हैं, ठीक है। अचानक से इनका कुछ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सके, ठीक है। क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन के दिल में ऐसा भी चल रहा था कि किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेता हूँ जो कि हम दोनों के बीच में गॉड का काम करेगा है ना, तो गॉड ही सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो वही है कि गॉड जैसा जो है किसी को ऐसा सोच रहे थे कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि हम दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ये करे, ठीक है, कुछ ऐसा करे जिससे हम दोनों का जो रिलेशनशिप है ये आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके पर्सन के दिल में ये सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक।
तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म और मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक आपको क्या करना है, देखो जिनको भी ब्रेसलेट की बुकिंग लेनी है देख लो, यहाँ पे जो भी ब्रेसलेट है आपके सामने ब्रेसलेट रखा हुआ है, जो भी ब्रेसलेट आपको बुक करवाना है आप करवा सकते हो, लव के लिए, मैरिज के लिए या चक्रास के लिए, करियर के लिए, ठीक है। जो भी ब्रेसलेट आपको चाहिए वो ब्रेसलेट आप जो है ऑर्डर कर सकते हो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।